बी मल्लिक, अटल बिहारी मल्लिक। सर किस तरीके का कर रहे हैं? अच्छा, एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट द सुपर मेमोरी पावर ऑफ एनी चाइल्ड। अभी तक हम सोच रहे हैं क्या ना, ये बच्चे का मेमोरी नहीं है, सारे फैमिली में प्रॉब्लम है, यही सोचकर ना अभी ये बच्चा क्या करेगा। मगर अभी कभी भी हम अभी क्वेश्चन नहीं पूछें, यदि मेमोरी नहीं है वो डोरेमन को कैसे याद रखा है, वो छोटा भीम को कैसे याद रखा है। यदि छोटा भीम को याद रखे मतलब हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन भी याद रख पाएगा, सिविक्स का याद रख पाएगा, ज्योग्राफी बायोलॉजी केमिस्ट्री याद रख पाएगा। मगर प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक सिस्टम चल रहा है, कोई भी रेलवे इंजन को हम यदि नेशनल हाईवे में छोड़ देंगे वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि रेलवे इंजन के लिए ट्रैक चाहिए और बस के लिए अभी उसका नेशनल हाईवे चाहिए सर। मगर अभी हमें पता नहीं ना कौन सा सिस्टम है, कौन सा मेथड में डालने से कोई भी चीज़ फटाफट याद रहेगा, हमें पता नहीं। अभी यहाँ ट्रेनिंग अभी शुरू हो चुका है, जिससे कोई भी बच्चा जिसको हम बोलते हैं ना ये दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका मेमोरी बहुत कम है, उसका मेमोरी बढ़ा पाएगा। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना रिजल्ट दिखा चुके हैं, समबडी हैज मेमोराइज होल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, समबडी हैज मेमोराइज 1-2,000 टेबल विद इन सम आवर। तो इसका एक ही टारगेट है, बच्चों का ब्रेन पावर मेमोरी पावर को कैसे डबल करना है, उसका एक ही टारगेट। कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप बॉडी विकास कर रहे हैं? तो अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा विजुअलाइज सिस्टम, द न्यूरॉन फ्रॉम आवर आई टू ब्रेन इज अबाउट 20 टाइम्स मच मोर पावरफुल देन द न्यूरॉन फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। अभी हमारा सिस्टम में क्या करते हैं, जो बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होता, रट, अभी रट मतलब हम अभी ऑडिटरी सिस्टम याद यूज़ करते हैं। सपोज किसको याद रखना है, एंटागोनिज्म ऑपोजिशन, वो क्या करता है, एंटागोनिज्म ऑपोजिशन प्रोसेस होता है, यहाँ से होता है। मगर जो छोटा भीम देखता है अभी नहीं होता, छोटा भीम ये बोला ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो अभी ये सिस्टम का पावर हमारे में नहीं है, ये सिस्टम एक काव का है। तो अभी जब साउंड जहाँ जिस डिस्टेंस में आता है वो कान मोड़ लेता है, हम मोड़ नहीं पाएंगे, हमारा ये पावर है। मगर हमें पता नहीं इसको हम यूज़ करेंगे हिस्ट्री में कैसे, सिविक्स में कैसे, बायोलॉजी में कैसे। तो यही सिस्टम है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। सर हमें ये बताइए कि ये जो माइंड का पावर आप जो बता रहे बच्चों को याद रहेगा, ये क्या कोई योगा है? ये है मेथोडोलॉजी, ना दिस इज सिंपली मेथोडोलॉजी सर। ये कौन सिखाएगा, कैसे बच्चों को ये सारा? इधर है सर, इधर स्पेशली एक ट्रेनर है, हमारा ट्रेनर है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, मेरा एग्जैक्टली वहाँ ही रिसर्च था ना, हाउ टू डबल ह्यूमन मेमोरी, इसमें ही मेरा पीएचडी था।
तो अभी ये मेथोलॉजी है, एक मेथोलॉजी को हमें अभी चेंज करना है। मैं अभी सब कोई लुंडा में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, वो जाकर कितना 40 किलोमीटर जाएगा, यदि वो थोड़ा गाड़ी चेंज कर लेगा स्पीड बाइक 80 किलोमीटर जाएगा। तो अभी इसमें एक सिस्टम को हम चेंज करा रहे हैं और कुछ नहीं। एक बार सिस्टम चेंज हो गया तो उनका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, रिटेंशन लंबा समय तक रहेगा सर। ये बच्चों का कोई एज लिमिट होगा इस से किस तक के लिए है? बच्चे हैं UKG से लेकर जो IAS प्रिपरेशन होते हैं सब ये ले सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है सर। तो अभी ये क्या मतलब आप जो भी सिखाएंगे वो यहाँ इंडिया के हैं या इंडिया से? नहीं, इंडिया के हैं सर, इंडिया के हैं, वो वाराणसी से ही हैं, वही सिखाएंगे जो ट्रेनिंग। किसी ऐप के थ्रू आप लॉन्च कर रहे हैं? ये आपने, ये डायरेक्ट ट्रेनिंग है सर, आप इससे कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रेनिंग सर। कितना टाइम लगेगा बच्चों को, एक बच्चे को शिक्षा? मैं सिंपली ये चीज़ बोलूँगा, कल से ट्रेनिंग हो रहा था सर, बच्चे जो 15 तक टेबल रिंग को याद नहीं था ठीक से, आज वो 1000 तक अभी कर चुके हैं सर। और क्या बोलूँ, बोलिए। एक बच्चों के अगर ट्रेनिंग देने में कितना टाइम लगता है? अभी एग्जैक्टली उसका आवर होता है सर, जैसे होता है सपोज कंटिन्यूस तो वीकली 2 दिन आएंगे तो महीने 6 महीना लगता है सर, राइट? तो अभी स्कूल में, स्कूल के साथ ही अटैच हुआ है, स्कूल के एक पीरियड होगा जिस पीरियड में वो लोग ट्रेनिंग लेंगे। या कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं? अगर इंस्टीट्यूट तो चार्जेस क्या है? नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं सर, अभी स्कूल में ही होगा, इस स्कूल में ही होगा। तो ज़्यादातर बच्चे कैसे जुड़ेंगे आपसे? अच्छा, तो अभी देखिए इसके लिए हमारे ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ नहीं है। अभी हम मेनली जो रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट है हमारा फर्स्ट टारगेट है रिजल्ट सर। जैसे मैं जैसे बोला हूँ, कल से कल शुरू हुआ था, आप जी आप आज देखेंगे, आज ही बच्चे रेडी हो गए 1-2000 टेबल। जो मैं सोचता हूँ जो वाराणसी में जो अभी कॉम्पिटेटिव के लिए लगा हुआ जो बच्चा है ना, उसको पूछेंगे अच्छा मुझे बोला 36 नहीं था, उसके लिए डिफिकल्ट होगा। और बच्चे अभी स्कूल से हैं जो स्टैंडर्ड 6 के बच्चे हैं, उनको पूछेंगे अच्छा 938 नहीं जाए, दे विल टेल यू लाइक दिस सर। एक प्रश्न जरूर होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीधे यहाँ से, प्रेस के माध्यम से अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरीके का ध्यान रखें बच्चों को? मैं ये तो एक चीज़ जरूर बोलूँ, अभी तक आपके माइंड लिमिटेड बिलीफ है ना, मेरा बच्चा यहाँ तक ही जाएगा, अधिक नहीं जा पाएगा, वो रॉन्ग बिलीफ है। आपके पास प्रोसेस नहीं है इसलिए आप बोल रहे हैं, मगर मैं बोलूँगा सर को आप धन्यवाद दीजिए, वाराणसी के लिए अभी कुछ करना चाहते हैं, वो एक ही चीज़ अभी करना चाहते हैं, वे मेथोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं। मैं लाइट लिख लिया सर, हाँ नेक्स्ट 8 बोलिए सर, कुछ भी बोलिए, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया, बोर्ड लिख दीजिए सर, 9 रेडियो, रेडियो 10 लास्ट चीजें। बच्चों रेडियो हो, कितना टर्नटेबल दिखाओगे? 1-140 तो दिखाओगे, दिखाओगे हाँ? अच्छा ये लोग बोल रहे हैं सर 1-50 आप सर पूरा परिचय दीजिए। मैं राकेश सिंह, प्रबंधक किड्स गुरुकुल। आज के दिन हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया है, उद्देश्य है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए काम करना। विगत 10-15 सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने ये महसूस किया कि स्कूल पढ़ाने का काम करता है, उनको सारी चीज़ें दे रहा है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है कि बच्चे कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज़ करें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये सारी जिम्मेदारी या तो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दी जाती है और पेरेंट्स वो जिम्मेदारी ट्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आज किड्स गुरुकुल के तत्वाधान में हम लोगों ने ये प्रयास किया है, एक ऐसे व्यक्तित्व को लाके AB मलिक, जो पिछले 10 साल से मेमोरी के ऊपर इंटरनल ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक सेमिनार किया और हम लोगों ने उनसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे 20 तक का टेबल जानते थे, अब वो 1000 तक का टेबल डिलीवर कर रहे हैं। इट मींस, कहने का सेंस ये है कि बच्चे कैपेबल हैं, सही पद्धति मेथोडोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करें तो बच्चों को का मेमोरी पावर हम इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। और आने वाला समय चूँकि कॉम्पिटिटिव समय है, हमें बच्चों को ले जाके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में बैठाना है जहाँ बच्चे हजारों लाखों के तादाद के लोगों के साथ फाइट करेंगे, वैसे जगह में वही बच्चा आगे जाएगा या सफलता प्राप्त कर सकता है जिसका मेमोरी अच्छा होगा। और वो शुरुआत अगर हम अभी से स्कूलिंग लेवल से 6th, 7th, 8th के लेवल से अगर करते हैं तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बनारस के हर बच्चे को हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे अपने इंस्टीट्यूशन के बैनर के नीचे किड्स गुरुकुल के माध्यम से। लोग ज़रूरी नहीं है मेरे स्कूल में पढ़ें, लेकिन इट्स अ टेक्निक टू मेमोराइज, वो तरीका AB मलिक सर आपको ज़्यादा ब्रीफली विस्तार से बता सकते हैं।
छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक मेथोडोलॉजी डेवलप किया और हर बच्चे के अकॉर्डिंग पहले हम उनका ब्रेन मैपिंग कराते हैं। ब्रेन मैपिंग से जो पूरे ब्रेन की जो कंडीशंस हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक फिल्म आई थी तारे जमीन पे, उस बच्चे का एक अपना बेसिक प्रॉब्लम था और हर बच्चे के ग्रोथ के लिए एक अलग टेक्निक, एक अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, डायग्नोस करना पहला स्टेज होता है, फिर जब डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है तो अलग अलग मेडिसिन चलाता है। ये जरूरी नहीं कि सर्दी जुकाम में सारे एक ही दवाएं चले, तो उसके लिए हर बच्चे के लिए वी विल यूज़ द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोसिस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने